अपने उलझे बालों से परेशान हो चुके हो तो आज आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी। बहुत ही आसान ट्रिक से हम ऐसा हेयर मेस बनाएंगे जिसकी वजह से आप अपने उलझे बाल को सुलझा सकते हैं इजीली और आप अपने हेयर को इंस्टेंटली सिल्क एंड शाइनी बना सकते हैं सिर्फ ओनली 2 मिनट्स में। यस, ओनली 2 मिनट्स में तो मैगी बनती है, ओनली 2 मिनट्स में मैगी बनती है, लेकिन ओनली 2 मिनट्स में हेयर स्प्रे भी बनता है, हेयर मेस भी बनता है हमारा। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं स्पेशली उलझे हुए बालों को सुलझाने का एक हेयर मिस्ट, और ऐसा हेयर मिस्ट जो आपको सिर्फ 2 मिनट बनने वाला है, और इसमें आपको खर्चा बोलो तो अराउंड आपको अराउंड 2 रुपीज का लगेगा। ज्यादा आपको इसमें कोई एक्सपेंस करने की भी जरूरत नहीं है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेयर मिस्ट की, और हेयर मिस्ट हमें क्यों बनाना चाहिए, आपको यही क्वेश्चन आता होगा ना कि हम क्यों हेयर मिस्ट बनाए। मार्केट में तो बहुत ही अच्छे अच्छे सीरम मिलते हैं, वो हम लगा लेते हैं अपने हेयर में। यस, आप जाइए और लगा लीजिए, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब पता है वो जो हेयर सीरम रहते हैं ना, उसके अंदर कैसे कैसे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। पहले आपको कोई भी आपका घर में अगर आपका कोई भी हेयर सीरम पड़ा हुआ है तो पहले उसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए कि कैसे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, और वो आप गूगल करके सर्च कर लीजिए कि वो इंग्रेडिएंट्स आपके हेयर के लिए सेफ है या नहीं, फिर उसके बाद आप वो यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि वो इतने हार्मफुल केमिकल्स हम अपने हेयर पे अप्लाई करेंगे वो भी डेली, तो वो कितना हार्मफुल होगा वो तो आप सोच सकते हो। इसीलिए तो हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर आप हेयर फॉल से जूझ रहे हो तो मेरा ऊपर आई बटन में ये वीडियो आ रहा है, उसको आप जरूर देखिएगा, उससे फास्ट हेयर ग्रोथ भी होंगे। अगर वो भी नहीं करना चाहते हो तो मेरा हेयर ग्रोथ पाउडर है, उसको भी ले सकते हैं। तो ब्यूटीफिक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, तो वहां से आप मेरे प्रोडक्ट को परचेस भी कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत की बातें हमने कर ली, मेकअप भी बना ली, सब कर लिया, लेकिन मिस्ट कब बनाओगे? चलिए बनाते हैं हम मिस्ट। तो यहाँ पे हम ये मिस्ट बनाने के लिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यहाँ पे हम लेंगे रोज वाटर। हम रोज वाटर लेंगे ना तो उससे मिस्ट का जो फ्रेग्रेंस है और बहुत बढ़ जाता है। एक तो रोज वाटर की खुद की इतनी अच्छी खुशबू रहती है, इसके अंदर और हमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है ना। तो जब आप ये हेयर मिस्ट लगाओगे ना, आप हेयर में भी ऐसी रोज की स्मेल आएगी तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और जो बीनी बीनी उसकी खुशबू आती है ना हमारे हेयर से, तो हमारे आसपास के जो हमारा सराउंडिंग है उसको भी बहुत ही पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ पे हमें अराउंड 100 ml यहाँ पे हमने रोज वाटर लिया है। फिर उसके अंदर हम ऐड करेंगे ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन यहाँ पे मैंने 1 स्पून लिया है, और ग्लिसरीन आपको पता है कि ये हमारे हेयर का मॉइस्चर लॉक करके रखता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज रहती है, ये नेचुरल ह्यूमिडिट है, ये नेचुरली हाइलुरोनिक एसिड है हमारे हेयर का। तो यहाँ पे मार्केट में जो सीरम मिलते हैं ना उसमें केमिकल वाले हाइलुरोनिक एसिड रहते हैं, तो यहाँ पे सब बस ये चीज हम अपने मिस्ट में डालेंगे। और यहाँ पे हम लेंगे ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन यहाँ पे 1 स्पून लेना है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आएगा, यहाँ पे मैंने लिया है आर्गन ऑयल। तो आर्गन ऑयल थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, लेकिन आर्गन ऑयल हमारे हेयर को मजबूत तो बनाता है, साथ साथ में ये हमारे हेयर को शाइन भी देता है। और आपके पास आर्गन ऑयल नहीं है तो उसकी जगह पे आप ऑलिव ऑयल या फिर 2 विटामिन ई की कैप्सूल्स भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 स्पून अराउंड आर्गन ऑयल लिया है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा, यहाँ पे मैंने लिया है एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल यहाँ पे मैंने 1 स्पून लिया है, और ये एलोवेरा जेल आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग तो बनाता है लेकिन आपके हेयर को स्मूथ, सिल्की और मैनेजेबल बनाने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फिर यहाँ पे ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, तो ये इजीली मिक्स नहीं होगा, तो विस्क है तो विस्क की हेल्प से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक स्प्रे बोतल में भर लीजिए। तो अभी आपको लगेगा कि ये जो हमारा ये मिस्ट बनाया है कौन कौन यूज कर सकता है, ये आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी एज वाला यूज कर सकता है, छोटे से लेके बड़ा कोई भी यूज सकता है, क्योंकि बच्चों के भी हेयर कितने उलझते हैं। बच्चों में तो और प्रॉब्लम होती है कि वहां पे हम मार्केट वाला सीरम नहीं लगा सकते हैं, तो क्या करें, तो फिर ये लगा लीजिए। तो ये हमारा DIY हेयर मिस्ट रेडी हो चुका है आपके उलझे हुए बालों को सुलझाने के लिए। यहाँ पे अभी इस मिस्ट को यूज कैसे करना है, तो इस मिस्ट को यूज करिए जब आप हेयर वॉश कर ले उसके बाद। तो हेयर वॉश के बाद आप देख सकते हो कि मैं अपने हेयर में अप्लाई कर रही हूँ, तो पहले आपको कॉम्ब नहीं करना है। पहले आप जब हेयर वॉश करके आए तब गीले बालों में ही इस मिस्ट को अप्लाई करना है, और उसके बाद फिर हाथ से थोड़ा सा आप ऐसे पूरा हाथ से फैला भी लीजिए और अच्छे से पूरे हेयर में अप्लाई हो जाना चाहिए। आगे पीछे सब करके आप अपने हेयर में अप्लाई कर लीजिए। रूट्स में एंड्स में ज्यादा लगाइए क्योंकि एंड्स हमारे ज्यादा ड्राई हो जाते हैं इसीलिए। उसके बाद आप कॉम्ब कर सकते हैं, और कॉम्ब करने के बाद फिर
आप देख सकते हो मेरे हेयर में कि कैसे लग रहे हैं, एकदम शाइनी लगते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, आपको लगेगा कि तुम्हारे हेयर तो ऐसे ही अच्छे हैं तो तू अच्छा ही दिखेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि विंटर के सीजन में मेरे भी हेयर ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहां का पानी भी इतना हमारा ड्राई है, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। नहीं होता है, मेरे साथ भी कभी कभी होती है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये जो मिस्ट है ना, ये आप बच्चों के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसे केमिकल्स नहीं है, तो सेफ भी है, बच्चों के लिए कोई भी यूज कर सकता है और कोई भी हेयर टाइप्स वाले भी यूज करते हैं। अगर आपके हेयर बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप इसमें ऑयल भी स्किप कर सकते हैं, नहीं डालना है तो। अगर आपके ऑयली हेयर नहीं है और नॉर्मल टू ड्राई हेयर है, तो जैसे मैंने दिखाया है उस हिसाब से आप बना के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये कुछ नहीं करना चाहते हैं तो मेरा ब्यूटीफिक का हेयर मॉइस्चराइजर है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं और उससे भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और उसके अंदर सब चीजें मैंने नेचुरल ऐड की हुई हैं, तो आप वो बच्चों को भी अप्लाई कर सकते हैं। परचेस करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप परचेस भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।